ओ देगी मिर्च। बेगी मिर्च। मोना आई थिंक तीसरी बार गिर चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम निशांत अत्री, वेलकम टू माय चैनल हॉर्नबिल। और आज मैं निकल पड़ा एक झरने की तलाश में, जिसका मुझे खुद भी पता नहीं है कहाँ पे है। बस मैंने गूगल मैप पे सर्च किया था यहाँ पे कोई झरना है, और उसको ढूंढते ढूंढते मैं हिमाचल के नाहन से थोड़ी आगे निकल कर सराहां पे इस जंगलों में आ गया हूँ, और इस झरने को ढूंढ रहा हूँ। तो होप सो झरना मिल जाए और हम सब वहाँ पे थोड़ा सा स्विमिंग, थोड़ा सा नहा सके। लेट्स सी क्या होता है। ये भांग, सारी भांग ये और आई थिंक हमें वहाँ तक जाने, जो नीचे थोड़ा पानी दिख रहा है वहाँ तक जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये वाला रास्ता लंबा है, कहाँ से आए? शॉर्ट रास्ता बताइए। आइए, मिल गया, अच्छा हुआ भैया मिल गए। यहाँ पे शॉर्ट रास्ता यहाँ से, नाहन से तो यहाँ से चलते हैं सीधे रास्ता इस तरफ को, ये आगे से इस तरफ को नहीं, इस तरफ को चला। अच्छा अभी यही वाला, ये हाँ जी ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, फिर आगे वहाँ पर से ना नीचे को जाना, फिर नीचे को जाना है। मंदिर है वहाँ पे, दिख जाएगा। अच्छा मंदिर है, पानी है वहाँ पे नीचे? कम है पर है। थैंक यू, वैसे ही घूम रहे हैं जगह। चलो अच्छा हुआ पूछ लिया हमने, रास्ता पता चल गया। ये छोटा रास्ता, वाह। तो ये है अनार का पेड़, छोटे छोटे अनार लगे हुए हैं अभी इसमें। हैं कद्दू, हाँ ये आई थिंक कद्दू है। और ये मिट्टी का घर, गाय का घर। अंदर देखिए गाय है, वाह। हेलो, खाना नहीं बेटा? नो। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, एंड आई थिंक हमें नीचे की तरफ ही जाना है, क्योंकि पानी नीचे की तरफ ही होगा। थोड़ा ध्यान से चलना है यहाँ पे, बड़ा ओ तेरी रास्ता तो बड़ा डेंजरस है। वापसी फिर मेन रस्ते से आएंगे। हटिए बोलो, आपने वैसे क्या पहन के आए हो आप? मुझे थोड़ी ना पता था कि हम ऐसे एक्सप्लोर करेंगे। चलो आप कर दीजिए बस। रास्ता थोड़ा डेंजरस है, इसलिए ध्यान से आना है यहाँ पे। ओए ओए ओए, इजी। थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर हो गया है, पर एनीवेज अब तो पहुँच ही गए हैं।
ये रास्ता थोड़ा डेंजरस है चलने के लिए, बस एक नाली है और एक पांव रखने की जगह है और नीचे पूरी ढांग। तो ये पूरा अंदर पत्थर है, इसको पेंट किया हुआ है और नीचे छोटा शिवलिंग है। वाह, तो यहाँ से नीचे ये तालाब भी है। वेल, जगह तो अच्छी है पर यहाँ पे नहाने लायक पानी नहीं है। तो एनीवेज नई जगह को एक्सप्लोर किया, अच्छा लगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये वापस जाते हुए अब ऊपर चढ़ना थोड़ा आसान होगा। क्या है? कड़ी पत्ता दिखा ना। लगेगा घर में ये टूट गया। अच्छा, झट टूट गया ना। चलो रंग सो वापिस आते हुए ऊपर चढ़ना कंपैरेटिवली कम रिस्की है जितना नीचे उतरते वक्त था। ये कि थक जाते हैं, रिस्की कम है, टायरिंग ज़्यादा है। हाँ, टायरिंग ज़्यादा है। एनीवेज नई जगह तो एक्सप्लोर की। और यहाँ पे ब्रेक ओवर है, time for a break. So if you like my videos, do share, like and subscribe my channel Hornbill. आराम से एकदम खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा पांव ध्यान के पांव पे ध्यान रख के चलना पड़ता है। पानी गांव वाले से मांगेंगे यार, पानी मिल जाए, ठंडा पानी मजा आ जाएगा। चलो ठंडा तो पानी मिल जाए। चलो मुझे पास होने दे।
चले गए। पानी ठंडा एकदम नहीं, चिल्ड। और ये अनार भी लगे हैं यहाँ पे, वाह लवली। कब की बनाई? ये हमारे जो परदादा थे उनसे भी बहुत पुरातन बात है, दादे की उम्र आई फिर हमारे बाप की, इसका कोई वो नहीं है कि यह कब का, कब का बना जी, उससे भी पूरा। अच्छा, इस तरह का है। यहाँ बहुत कुछ बताते हैं, पता नहीं किसी वक्त में क्या होता था, यहाँ ऐसी शक्ति होती थी कुछ, जो आपने थोड़ा सा मैं बताता, वहाँ ऐसी जगह है कि जिसमें पत्थर ही में इतना बड़ा निशान है नीचे। हाँ जी। तो पुरातन कथा है भाई, यहाँ सत्तू बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसमें सत्तू होते थे, लोग आते थे, और कुदरती छा का एक भंडा होता था। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये सुनी सुनाई बात है हमारी भी, लेकिन वो जगह जो पत्थर में निशान है ना, जैसे मटका होता है, उस तरह का अब भी है। तो अंकल हमें गुलाब की कटिंग दे रहे हैं, तो इसमें हमें वाह। और ये हमें गुलाब की स्टेम मिल गई है, हमें पूछना इसको लगाना कैसे, इसको लगाएंगे कैसे अंकल? इसको बरसात में या अभी लगाते हैं तो पानी रोज की जरूरत, पानी बरसात में लगाएंगे तो जरूरत नहीं। अच्छा, अभी नीचे भूमि में गाड़ा ना दिए। हाँ जी। और रोज पानी देना, अभी तो गर्मी है ना, जब तक इसमें कोंप लेना है, जब तक कोंप लेना है तब तक पानी देना, ठीक है। वाह, लस्सी भी आ गई। नहीं खट्टी नहीं है, ठीक है, खट्टी पता नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। खट्टी नहीं। और ये लस्सी, अरे वाह, ये नमक डाल देना, उससे तो मजा आ जाएगा नमक से। बस थैंक यू, बस वाह। तो गांव में आने के बहुत फायदे होते हैं, आपको लस्सी मिल जाती है। वाह, बहुत बढ़िया है। तो ये है यहाँ का लोकल पुदीना, और इसकी खुशबू ऐसी आ रही है कि मतलब पूरा महक रहा है यहाँ तक, जबरदस्त। अच्छा, तो आपने तोड़ा ही हुआ है? इस दिन मिला था ना, हम भी सहा में रहते हैं ना, सहा। अच्छा, सो रास्ते में चलते हुए मुझे वुडन लॉक का पीस भी मिल गया है, इसकी मैं वुडन चेयर बनाऊंगा और काफ़ी अच्छी बनेगी, जब कंप्लीट होगी तो आपको दिखाऊंगा। तो जंगल में जाने के कई फायदे होते हैं, आपको कई रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो फाइनली हम अपनी गाड़ी पे पहुंच गए, सो दिस इज़ द एंड। बहुत चले, बहुत मज़ा आया, सी यू सून गाइस, सी यू सून, बाय, टेक केयर। सो ये मोना आई थिंक तीसरी बार गिर चुकी है, चौथी बार, ये होता है अगर आपने शूज़ ढंग से नहीं पहने हो तो आप ऐसे गिरते हो। आराम से जाना, ड्रेस भी गंदा, वो फट गई।